1630 का हिंदुस्तान है। सुनहरा भारत यहां तक आते आते आपसी कलह और फूट के कारण टुकड़ों में बढ़ चुका था। पूरा हिंदुस्तान विदेशी शक्तियों के शिकंजे में था। दक्षिण में आदिलशाही, निजामशाही और कुतुबशाही शासकों की अत्याचारी नीतियों से चारों ओर त्राही त्राही मची थी। उत्तर से मुगल पूरे हिंदुस्तान पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए बर्बरता की सारी हदें पार कर रहे थे। भारतवासी अपने ही देश में गुलाम बनकर जी रहे थे। ऐसे में एक वीर मराठा ने जन्म लिया। इस धर्मनिरपेक्ष योद्धा ने जीजाबाई और पिता शाहजी राजे भोसले के स्वराज्य के सपने को साकार किया। उस महान योद्धा का नाम था वीर शिवाजी।
स्पर्धा का ये अंतिम फेरा है। शांत रहा। आदरणीय मातोश्री जीजाबाई मां साहेब के नाम पर जीजापुर स्थापित करने के शुभ अवसर पर ये वयस्कों की घुड़दौड़ स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा में खेल भावना के साथ साथ अद्भुत कौशल और अभूतपूर्व साहस भी देखने को मिला। शांत रहिए। शिव शंभू ने चाहा तो ऐसे नामकरण के अवसर और भी आए। शांत रहा कृपया। अब मैं आदरणीय जीजाबाई महाराज रानी सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वो विजयी युवक को अपने कर कमलों से सोने का कड़ा और सम्मान का ताफा प्रदान करे। क्षमा कीजिएगा, इस पुरस्कार पर हमारा नहीं, इनका अधिकार है। ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं, क्योंकि ये स्पर्धा वयस्कों की है और प्रथम आने वाला वयस्क प्रतियोगी यही व्यक्ति है। तो क्या तुम वयस्क नहीं हो? नहीं। राजेश युवा, अब हम समझे आपके चेहरे के भाव इतने बदल क्यों रहे थे। आप पहले से जानती थी ना ये शिवबा ही है।
क्षमा कीजिए मां साहब। शाबाश बेटा, हमें गर्व है आप पर। आपने अपना जीता हुआ पुरस्कार इसके असली हकदार को देकर ये साबित कर दिया है कि हमारे राज्य में कोई किसी का अधिकार नहीं है। क्षमा करे राजे, भगवान न करे उस स्पर्धा में यदि आपको कुछ हो जाता तो मैं महा साहिब को क्या उत्तर देता? वो तो स्पष्ट कह देती कि आप मेरे पुत्र को शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं या उनको उनकी जान जोखिम में डालना। महा साहिब अपने शिवबा को अच्छी तरह जानती है बाजी काका, परंतु आपका इस आयु में ऐसा दुस्साहस करना उचित है? क्या करता बाजी काका, अपने आप को रोक नहीं सका इसलिए वेश बदल कर देखा। हैदर बेग को करना देने का परिणाम सारा का सारा अनाज लेकर चले गए। अत्याचारी है। अरे भगवान को धन्यवाद दो कि केवल अनाज लेकर गए हैं, उसकी दृष्टि बाबा की बेटी पर पड़ती तो उसे भी उठा कर ले जाते। अब हमारा क्या होगा? राजे, दया करो राजे। क्या हुआ काका? क्या बताए राजे, चोगले और जाफर बेग के साथ आदिल शाही सिपाही हमारा सारा अनाज लेकर चले गए। अब तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्यों लेकर चले गए? ठीक है ठीक है, तुम मेरे वाड़े पर आकर कर अनाज ले जा। परंतु बाजी काका, क्यों लेकर चले गए वो इनका अनाज? कर राजे, उसे तो देना ही पड़ता है। कैसा कर और किसको देना पड़ता है? विजापुर के सुल्तान, विजापुर के सुल्तान, विजापुर के सुल्तान आदिल शाह को। पर क्यों? इस क्यों का उत्तर तो वर्षों से किसी के पास नहीं है राजे, किसी के पास नहीं है। आज पहली बार अपने शिवबा को एक नए रूप में देखा है। अब हमारे सपने साकार होते दिखाई दे रहे हैं। बस यही कृपा दृष्टि बनाए। सही भाई, शिवबा को तिलक कीजिए और इनकी आरती उतारे। नहीं मां साहब, मत करवाइए हमारा तिलक, हम इसके योग्य नहीं है। शिवजा, क्या हुआ? मां साहब, एक आंख में खुशी और दूसरी आंख में गम। बेटा, आप क्या कह रहे हैं हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मां साहब, आपने प्रतियोगिता में कहा था कि कोई किसी का अधिकार नहीं छीनेगा, लेकिन यहां तो यही हो रहा है।
आदिलशाही सिपाही हमारी प्रजा के लोगों का अनाज छीन रहे हैं, धन छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं। और आज आज हमें बुजुर्ग मिले, बेचारे बहुत रो रहे थे। उनके माथे पर हमने दास्ता का चिन्ह देखा और आप हमारे माथे पर ये कुमकुम का तिलक लगवा रही हैं। सच तो ये है बेटा कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं देखा। भरे बाजार में निर्दोष लोगों की सुल्तान आदिलशाह कोड़े मार मार कर जान ले लेते हैं। कभी कभी तो पत्थरों से मारकर तड़पा तड़पा कर उनकी हत्या करवा देते हैं। शिवा, हम तो युद्ध में भी शत्रु को असहाय देखकर उस पर वार नहीं करते, क्षमा कर देते हैं उसे। पर बीजापुर का ये सुल्तान पागलपन की सीमा तक क्रूर है। सचमुच हम तुम्हें बेहद चाहते हैं और तुम भी हमें उतना ही चाहते हो। अनीस की जिंदगी आपकी है अलीजा। हम जानते हैं कि तुम हमारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, लेकिन आज हमें अपनी रियासत के मुआयने पे जाना है। जी हुजूर अलीजा, पनीस आपका इंतजार करेगी। इंतजार? नहीं नहीं, शायद तुमने उस राजपूत राजा की कहानी नहीं सुनी। जी नहीं। वो राजपूत राजा अपनी महबूबा से बेहद बेहद इश्क करता था, जैसे हम तुमसे करते हैं। उसे भी एक बार अपने महल से बाहर जाना पड़ा था, जैसे आज हमें जाना पड़ रहा है अपने रियासत के मुआयने के लिए। उस राजपूत राजा ने अपनी महबूबा को एक पैगाम भिजवाया कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारा दीदार करना चाहता हूं। जैसे हम तुम्हें ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा हमारी नजरों के सामने रहे। सहनसीब, कनीस को इस लायक समझा, फिर क्या हुआ अलीजा? फिर तो कमाल हो गया। उस राजपूत राजा की महबूबा ने अपने महबूब के हुक्म की तामील की। कैसे? अपना सर काट कर उसे भिजवा दिया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत और कुर्बानी की बेमिसाल कहानी है। तुम क्या करोगी? हम तुम्हें ले नहीं जा सकते, लेकिन हम भी चाहते हैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का दीदार करते रहे। रहम, रहम। लाहौल वला कुव्वत। तुम मोहब्बत की बेमिसाल कुर्बानी की तौहीन करना चाहती हो? बाखुदा, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, लेकिन सदियों से चली आ रही इस कहानी का अंजाम बदलने का हक हमें नहीं है। लो, कहानी में तो सुना था
लेकिन हम वो मंजर अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। लो हम मोहब्बत करते हैं, रहम नहीं। आदिल शाही सिपाही हमारा सारा अनाज लेकर चले गए। आदिल शाही सिपाही हमारा सारा अनाज लेकर चले गए। अब तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। खाओ शिवबा, पूरन पोली तो आपको बहुत पसंद है। भूख नहीं है मां साहब। शिवबा, सामने आई थाली छोड़कर जाना भोजन का अपमान होता है। कैसे खाए मां साहब, बाहर हमारी प्रजा और उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और हम यहाँ बैठकर स्वादिष्ट भोजन करें। आप क्या कर सकते हैं शिवबा? बेटा, इन लोगों ने तो इसे अपनी नियति समझ लिया है। विद्रोह की आवाज उठते ही उसे कुचल दिया जाता है। क्यों क्यों मां साहब, ये सब इतने विवश क्यों हैं? विवश नहीं है बेटा, ये तो हमारी विडंबना है कि हम संगठित नहीं हैं। अन्यथा विदेश से आए ये मुट्ठी भर क्रूर आतंकी हमारे विशाल भारतवर्ष पर इस तरह तांडव मचा सकते थे? हम मराठों के रहते मां साहब, आप ही ने हमें बताया था कि मराठा अपनी धरती मां के मान सम्मान की रक्षा के लिए सिरों के ढेर लगाकर रख देते थे। अब हम और अत्याचार नहीं होने देंगे। नहीं बेटा, किसी भी क्रांति का जन्म आवेश से नहीं होता। अपने देव देश धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम की मर्यादा के साथ कृष्ण की नीति भी आवश्यक है। इसके बिना ना तो हम संगठित हो पाएंगे और ना ही इन क्रूर अत्याचारियों की दासता से मुक्ति पाएंगे। तो माँ साहिब, हम अपनी धरती को इन अत्याचारियों से मुक्ति दिलाएंगे। हम जानते हैं शिवपा, स्वराज्य का पहला अंकुर इसी सीने से फूटेगा। परंतु अभी नहीं। ए रुक, राजे को आने दे, चिड़िया की आवाज निकालना। निकाली तो तय राजे ने सुनी नहीं। फिर से निकाल। आ गए राजे, चलो। राजे ये देखो, आपके लिए जकात खाने की पीछे वाले पेड़ से तोड़कर आम लाए हैं। नहीं बाला, आम नहीं खाएंगे। क्यों राजे? क्यों, क्या तुम सब लोगों ने देखा नहीं कर ना देने के कारण कितने लोगों के घरों से अनाज उठाकर ले गए आदिल शाह के सैनिक? हम क्या कर सकते हैं राजे, आदिल शाही कर ना देने से हमेशा ऐसा ही दंड भुगतना पड़ता है। नहीं चिमना, अब कोई कर नहीं देगा और ना अब हम ऐसे अत्याचार होने देंगे। आप क्या करेंगे राजे? जकात खाने का अनाज उठा लेते हैं। बाप रे, फिर तो आदिल शाह के सिपाही हम सबको मार डालेंगे। कैसे होगा राजे? होगा कैसे?
जकात खाने पर तो रात में भी सिपाहियों का पहरा होता है। हम सब कितने लोग हैं? चिमना, हाजमा, आप, हम चार। बहुत हैं। अब हम ये आम तभी खाएंगे जब हम सब घरों में उनका अनाज वापस पहुंचा देंगे। परंतु हम जकात खाने में से अनाज निकालेंगे कैसे? जफर बेग आया। जफर बेग चल कर देखते हैं। चल जल्दी चल। हाँ खोलता हूँ ना।